ये देखो, पहले का बबल वाइजर ये वाला था, ओरिजिनल कंपनी वाला। तो ये देखो, ये कंपनी वाला लाइट था यार। तो अभी अपन लोग कंपनी वाला लाइट ही इंस्टॉल करेंगे। तो इसको भी अपन लोग इंस्टॉल करेंगे क्योंकि कंपनी वाला काफ़ी हेवी था यार, और अभी उसके पास वैसे भी आया नहीं था, तो इसलिए सोचिए यार चलो अपना कंपनी वाला इंस्टॉल कर देते हैं। अपने को काटना पड़ा था ये वाली नट को, क्योंकि इसमें फेविक्विक काफी ज्यादा गया हुआ था और फिर चिपका हुआ था, देख सकते हो। सो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अपना R15 बाइक है, उसका मिरर टूट चुका है और मार्केट में भी कहीं मिल नहीं रहा है। अपन लोग 2 दिन और गए, उसमें भी मिरर नहीं आया। तो अपन लोग सोचे यार अपन लोग घर में ही दूसरा मिरर इंस्टॉल कर ले, जो कि कंपनी वाला मिरर है। और फिर वो अपन लोग कंपनी वाला जिस वक्त खुलवाए थे ना, जब मॉडिफाई करवा रहे थे उस टाइम, तो वो वाला न्यू वाला मिरर मेरे पास रखा हुआ है कंपनी वाला। तो वो वाली सोच रहे अपन लोग खुद से इंस्टॉल करें, हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं करा, ये अपना फर्स्ट टाइम होगा। तो मेरे को लग रहा है रिस्की तो होगा ही, टाइम लगेगा ही, बट फिर भी कोई ना यार, अपन लोग खुद से ही मॉडिफाई करेंगे मिरर का, मॉडिफिकेशन करेंगे, खुद से इंस्टॉल करेंगे मिरर, और फिर देखते हैं कितना हद तक अपन लोग सही कर पाते हैं या फिर नहीं करवाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि अपन लोग सही से फिक्स कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने को खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, प्लस बार बार काटना पड़ेगा जो पहले वाला है। इंस्टॉल तो देखते हैं गाइस कितना टाइम लगता है। तो चलते हैं बाइक के पास और अपन लोग इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं गाइस। सुबह अभी हम लोग लाइट इंस्टॉल करेंगे खुद से, जो कि कंपनी वाला था ना पहले वाला, वही वाला इंस्टॉल करेंगे। तो अपने पास सामान इसमें है सारा रखा हुआ। ये देखो, पहले का बबल वाइजर ये वाला था, ओरिजिनल कंपनी वाला। और फिर इसमें देखो, ये कंपनी वाला लाइट था यार। तो अभी अपन लोग कंपनी वाला लाइट ही इंस्टॉल करेंगे खुद से, वो भी इंस्टॉल करेंगे भाई। तो ये कंपनी का है मिरर, तो इसको भी अपन लोग इंस्टॉल करेंगे क्योंकि कंपनी वाला काफ़ी हेवी था यार, और अभी उसके पास वैसे भी आया नहीं था, तो इसलिए सोचिए यार चलो अपना कंपनी वाला इंस्टॉल कर देते हैं। और फिर ये देखो, ये अपना 4 या फिर 6 या फिर 7 नंबर एलन की है, और फिर ये 9 नंबर है, और फिर ये 4 नंबर एलन की। तो इसमें मेरे ख्याल से 6 या 7 नंबर, ये जो भी है, मेरे को नंबर उतना याद नहीं है, ये वाला फिट होगा। इससे खोलेंगे अपन लोग फटाक से, तो चलो जल्दी से खोलते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं। सो भाई ये देखो, ये अपन लोग अभी 6 या फिर 7 नंबर एलन की से इसको खोल रहे हैं। बस ये जल्दी से खुलेगा, उसके बाद फिर ये नंबर प्लेट हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, और उसके बाद ये वाला खोलेंगे, इसका वायर कट करेंगे और फिर दूसरा वाला लगा देंगे। तो अभी फर्स्ट नंबर ये वाला खुल रहा है यार, काफी ज्यादा टाइम लेता है ये खोलने में। ओ भाई ये देखो यार, ये क्या हो रहा है? अब ये ऊपर वाला खोल लेते हैं, ये देखो भाई, मतलब टाइम काफी ज्यादा इसमें, मेहनत काफी ज्यादा है ऐसा बोल सकते हैं। इसको बस घुमाते जाओ जब तक ये खुले ना तब तक। तो इसको बस हम लोग घुमा रहे हैं मजे से। तो सारा कुछ याद करके अपन लोग सेट करेंगे। ये तो खुल गया, अब इधर वाला खोलना है अपने को। तो उससे पहले ये बैंड किधर गया उड़ के? भाई इधर है ये वाला, इसका भाई टिकुली है, इसको चिपका के ही रखना है अपने को। एक और टिकुली खड़ा इधर, एक इधर है। तो अभी इसको खोलते हैं जल्दी से। ओ भाई पहले इधर से भाई। तो आप लोग को ना ये वाला खोल के डायरेक्ट दिखाते हैं गाइस, ठीक है? सो भाई ये देखो, फाइनली अपन लोग खोल चुके हैं। अभी बस अपने को याद रखना पहले क्या क्या सेट होना। तो पहले ये मिरर वाला होगा, ये वाला, उसके बाद ये नंबर प्लेट जाएगा, उसके बाद ये रबड़ रहेगा, और फिर ये तो गुल्ली है ही अपना अंदर में। तो ये लो, ये तो निकल गया पहले ही भाई, चिपका हुआ है क्या उसमें? ये देखो कुछ ऐसा है, इसको अपन लोग पहले डाल देते हैं अंदर, इसी के अंदर में। रबड़ को अपन लोग निकालते ही नहीं है क्योंकि निकालने से कोई फायदा है ही नहीं। ओ यार ये देखो, ये गया अंदर, ऐसे ही रहेगा। ये वाले भी अंदर कर देते हैं, और ये वाला बाहर अपने को कट करना पड़ेगा। तो इसको कट करने के लिए क्या कर भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो निकल ही नहीं रहा है।
चलो ये आ गया। अच्छा ये क्या हो रहा है यार भाई, ये निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा चिपका हुआ है यार, ये चिपक गया है, इसी कारण से ये वाला खुल नहीं रहा था। ये देखो यही घूम जा रहा है, ये पूरा चिपका हुआ है, ये चिपक गया। ये देखो सो फाइनली गाइस देख सकते हो, इसको अपने को काटना पड़ा था ये वाली नट को, क्योंकि इसमें फेविक्यू काफी ज्यादा गया हुआ था और फिर चिपका हुआ था। देख सकते हो ये खुल नहीं पा रहा था, तो इसके कारण अपन लोग कटिंग किए हैं। और अभी इसको अपन लोग दूसरा नट बोल्ट से टाइट करेंगे। तो भाई मिरर लगाना स्टार्ट करते, बट उससे पहले ये वाला मिरर अपने को हटाना है, तो इसका वायर अपने को कट करनी है। तो अभी जल्दी से इसको कट करते हैं और फिर वो वाली मिरर स्टार्ट करते हैं सेटअप करना अपने को। तो इसको पहले कट करनी है, तो इसको सिंपली क्या करना है ना, अंदर से कट करनी है भाई, ताकि इसका वायर लंबा रहे और फिर ये बिक जाए जल्दी से। यहाँ पे इसका कनेक्शन भी एक और किया हुआ था पहले से, तो इसको पहले कनेक्शन को छुड़ा देते हैं भाई भी हम लोग। ये लो ये छूट गया, फिर ये सिंपली धीरे धीरे से इसको निकाल लो। तो ये हो गया अलग, और अभी अपने को दूसरा मिरर लगाना है, ये देख सकते हो। तो इसको हटा के अपन लोग दूसरा मिरर लगाना स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये वाली नट अपना ओरिजिनल है, तो इसको निकाल लेते हैं ओरिजिनल वाले को। देखिए इधर चला गया भाई, ये आ गया इधर, फिर ये भी, और फिर ये अपना स्टोर रूम है गाइस। तो स्टोर रूम ऐसा ही होता है हमारी तरफ, तो प्लीज माइंड मत करना कैसा स्टोर रूम है। अपने पास देखो एक्स्ट्रा नट, और फिर एक्स्ट्रा अपने पास एक रबड़ भी है, क्योंकि रबड़ भी टूट गया था इसका। तो अपने पास एक रबड़ भी है और एक एक्स्ट्रा नट भी है, तो वो ले लेते हैं अपने पहले। ये वाला रबड़ देखो टूट चुका था, तो इसको अपन लोग यूज नहीं करेंगे, तो दूसरा लेते हैं अपन लोग। ये वाला रबड़ का यूज अभी हम लोग करते हैं, तो इसको पहले इसमें सेटअप कर देते हैं। ये वायर को निकाल लेते हैं इस तरफ से, ये वायर किधर से गया है, ये इधर से आया वायर। ये वायर को निकाल दिए, अभी इसको अंदर करते हैं। पहले इसके लिए एक नया सा वायर, किधर गया वो, अच्छा इधर है, ये वाला डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसका वो लंबा वाला जा चुका है ना, तो ये वाला नट इसमें डालना पड़ेगा। ये हो गया, इसमें एक रबड़ इस साइड डाल देते हैं, ताकि इस साइड सही भी रहेगा। ये ज्यादा बड़ा हो जा रहा है यार, मतलब कंपनी कंपनी वाला होता है यार, तो कंपनी वाले में ही डालते हैं इसको, अपोजिट साइड कर देते हैं। चलो ये चला गया इसमें, और फिर ये ऊपर है ना, ये वाली ऐसा ही है ना। चलो भाई ये तो अंदर जा ही ना रही है, इतना सही है। और अभी हम लोग मिरर डालते हैं और फिर इसको डालते हैं। तो ये अपना दो कंपनी फिटेड मिरर है, तो एक ये वाला इस साइड लगेगा, सही है ना। हाँ ये सही है, ये सही है। तो सबसे पहले ये नंबर प्लेट जाएगा, उसके बाद ऊपर से ये आएगा मिरर। तो चलो इसका सेटअप पहले कर लेते हैं, तो इसमें जाने देते हैं भाई, बहुत ही टेढ़ा काम है भाई, बहुत ही ज्यादा। अपने को ये साइड भी करनी है, तो इसको भी पहले फिट कर देते हैं। एक फिट करने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाई, तो कोई ना कर लेंगे इतना तो हम लोग भी। ये किधर किधर भाग रहा भाई, और अभी इसको ना टाइट करना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा। एक एक दोनों का चला गया, अब दूसरा अपने को डालना। तो एक इसको ओरिजिनल, एक और किधर गया, इसका दो निकाले थे पहले वाला। तो अपने को सेटअप करनी है यार, तो इसको अपने इधर इधर में अपन इसको डाल देते हैं।
ये देखो, ये वाला मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि इसमें अपन लोग दूसरा नेट डाले ना, इसी कारण से। हाँ चला गया यार, सिंपली चला गया यार। मेरे को लगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट प्रॉब्लम कुछ नहीं क्रिएट हुआ। अब इसको में मेन प्रॉब्लम है, ये वाली जाएगी या फिर नहीं जाएगी। कंपनी वाला ना देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है यार, मैं तो बेकार चेंज करवाया था यार। कंपनी वाला सही था गाइस, बेस्ट होता है कंपनी वाला यार, बहुत ही बेस्ट। और फिर ये सब वेस्ट होता है यार, वो सब मिरर जो है ना, अपन वो लाइटनिंग वाला मिरर लगाए थे ना, वो वेस्ट होता है भाई। ये सब बेस्ट होता है कंपनी वाला, तो चेंज ना करवाना यार, वही सही होगा। ये भाई ये लगने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको चला गया। चलो, मेरे को लगा था काफी ज्यादा प्रॉब्लम लगेगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं लगा यार, बहुत इजी वे में हो गया अपना। अब इसको से अपना 6-7 नंबर एलन की से इसको घुमा दो, सेटअप हो जाएगा। ये लो, ये हो गया टाइट। अब इसको टाइट कर देते हैं। ये वाला टाइट अच्छे से लग रहा है, हो जाए टाइट भाई, ये भी हो गया टाइट। और अब देखो भाई मिरर मस्त लग रहा है यार, फाइनल लुक देखना भाई, ओरिजिनल कंपनी वाला का फाइनल देखना। ये भी सही से हो जाए, हो गया ये भी भाई। मतलब मैं तो अपना बाइक को खुद से बना सकता हूँ, ऐसा मैकेनिक बन गया हूँ मैं। ये भी टाइट हो गया, और फिर ये थोड़ा सा लूज था, ये देखो निकल जाए यार, ये थोड़ा लूज है, ये देखो। ये मेरे को लगा था टाइट हो जाएगा, बट ये लूज थोड़ा सा रह गया यार। ये लो, अभी तो पूरा लूज ही है ये। इसीलिए अपन लोग पहले नंबर प्लेट नहीं डाले थे, इसको कसने में काफी ज्यादा टाइट होगा, इसीलिए प्रॉब्लम होगा इसीलिए। अब ये देखो टाइट हो गया, ये देखो फाइनली ये हो गया टाइट, देखो नहीं हिल रहा, ये थोड़ा सा लूज हो गया, बट कोई ना यार, इट डजेंट मैटर भाई। लुक देखो भाई बाइक का मस्त लग रहा है। और अभी नंबर प्लेट की बारी आती है, तो ये इसका पेज का सब लोग खोल के और फिर नंबर प्लेट भी डाल देते हैं अभी। तो फाइनली भाई अपना बाइक बन के रेडी हो गया। ये देखो भाई, ये मिरर कितना मस्त लगता है, ये देखो आराम से मस्त वाला खुलता है, साइड से दिखता है चारों तरफ, और फिर ये मस्त लग भी रहा है। तो अभी इसका वायर का बात आता है, तो वायर भी अपन लोग कटिंग कर देते हैं पहले इसका। सो फाइनली भाई मिरर लग के हो चुका है रेडी, दोनों मिरर अच्छा से लग गया। बस इधर का थोड़ा सा वायर देखो ना, तो ये वायर और फिर ये वायर बचा हुआ है, तो इसको भी अभी अपन लोग कटिंग कर देते हैं। और फिर बाइक काफी ज्यादा गंदा हो चुका है, तो इसको अपन लोग धो देंगे। और फिर ये स्टोर रूम है, देख सकते हो अपन लोग इससे वीडियो बना रहे थे, इसका यूज करके अपन लोग शूट कर रहे थे। प्लस साइकिल अपना कोई लेके गया है, और फिर वो अपना टायर एक्सरसाइज वाला है, और ये अपना एक्सरसाइज वाला, तो इसको भी अपन लोग सही करते हैं। और फिर भाई कैसा लग रहा है अभी बनाने के बाद, आप लोग कमेंट करके बताना गाइस। खुद से बनाए ना, खुद से चेंज किए, टाइम लिया बट परफेक्ट हो गया भाई, तो बस यही कुछ है। सो फाइनली भाई मिरर लगा दिए उसका साइड मिरर, तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो।
आप लोग भी ऐसे देख के आप लोग भी खुद से मिरर सेटअप कर सकते हो। दुकान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा बेकार का 100-200 रुपये बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद से भी कर सकते हो ये सब काम। तो बस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को एंड करूँ। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। और फिर ये अपना स्टोर रूम था गाइज, तो अपना गांव में स्टोर रूम ऐसा ही होता है, प्लस दीवार से पापड़ी थोड़ा सा निकल रहा है, तो इसको अपन लोग पेंट करवा देंगे तो सही हो जाएगा। सो बाय बाय, जय श्री राम गाइस।